हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं नेगी स्किल्स। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पिछले कुछ समय से धागा मिल यानी स्पिनिंग प्लांट की मशीनों, उनके कार्यविधि और उनके पुर्जों की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि धागा मिल की सबसे जो महत्वपूर्ण मशीन है वह होती है रिंग फ्रेम। तो रिंग फ्रेम में कैसे कार्य होता है, रिंग फ्रेम में क्या काम होता है, इसकी जानकारी हम आपको पिछली कुछ वीडियोस में दे चुके हैं। आज हम बात करते हैं रिंग फ्रेम के कारीगर द्वारा जब काम किया जाता है तो उस काम के दौरान कुछ कमियां रह जाती हैं, जिन कमियों को हम जानते हैं रिंग फ्रेम में बनने वाली खराबियों के नाम से। तो रिंग फ्रेम में क्या क्या खराबियां बनती हैं, उनमें से कुछ एक आज हम जानेंगे। सबसे पहले आइडल यानी जो बोबिन खाली चल रही है, जिसमें कि कारीगर की गलती से धागा नहीं जोड़ा गया है, या यह आप देख रहे हो डी सेप, डी यानी डमरू के आकार की बोबिन, जिसमें कि कारीगर ने बीच में किसी न किसी कारण से धागा नहीं जोड़ा। इसमें भी जो धागा वो उसकी मात्रा कम है। डॉपिंग के दौरान सिलाई लगाते समय कुछ एक खराबियां बनती हैं, जैसे कि सिलाई लगाते समय किर्ची, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो किर्ची है, जब इस धागे को अंडरवाइंडिंग किया जाता है यानी जब ये धागे को बाहर निकाला जाएगा, तो इस किर्ची की वजह से वाइंडिंग विभाग में बार बार ब्रेकेज बढ़ते हैं। ये धागा काफी स्पीड से निकलता है लपेटा, यानी कारीगर एक धागा अगर आपसे जुड़ा नहीं तो आपने डबल डबल धागा ऊपर से लपेटा मार दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लपेटा। लंबी सिलाई, ये सिलाई काफी लंबी कारीगर के द्वारा लगाई गई है, तो ये भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि जब धागा काफी स्पीड से निकलता है तो इस धागे के टकराने की वजह से ब्रेकेज बाइंडिंग में बढ़ते हैं। सिक बोबिन यानी बीमार सिक, जहां पर कि बार बार ब्रेकेज होता है और जिसकी वजह से इस तरह की बोबिनें बनती हैं, जिसमें कि धागे की क्वालिटी भी खराब होती है और बोबिन में प्रोडक्शन कम होती है। तो ये कुछ खराबियां हैं जिनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो आइए चलते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, रिंग फ्रेम में अलग अलग काउंट का धागा तैयार किया जाता है, अलग अलग काउंट मतलब अलग अलग मोटाई का। तो कारीगर को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ध्यान रखने वाली, कहीं पर भी कोई बोबिन मिक्सअप ना चल रही हो, यानी अलग अलग रंग की बोबिने ना चल रही हो, जिससे कि काउंट मिक्सअप ना हो जाए। कारीगर क्रिल को भी अच्छी तरह से चेक करें और क्रिल में भी कोई मिक्स बोबिन ना चल रही हो। आइडल बोबिन, आइडल यानी जो खाली घूम रही होती है। रिंग फ्रेम में आइडल बोबिन बनने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन कारीगर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसकी मशीन में कोई भी बोबिन आइडल ना चले, क्योंकि एक बोबिन पे आइडल चलने से एक डॉब में कम से कम 50 से 60 ग्राम धागे का नुकसान होता है। यदि छल्ला, लैपेट हुक बहुत सी चीजें हैं जिनके कारण आइडल चलता है, तो उसे तुरंत अटेंड करवाएं और अपनी मशीन में सारे स्पिंडल चालू रखें। इसके बाद बात करते हैं डी सेप। डी सेप यानी वह बोबिन जिसमें कारीगर ब्रेकेज होने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक वह खाली चलती है बीच में से, तो उस पे कारीगर यह ध्यान रखें कि धागा अपनी मशीन में बराबर रखें। डी सेप बोबिन, हर बोबिन जैसे 50 से 60 ग्राम एक बोबिन पे धागा आता है, तो डी सेप बोबिन पे 5 से 10 ग्राम धागे का नुकसान हर डॉब में होता है। तो कारीगर अपनी मशीन बराबर रखे और कहीं पर भी डी सेप या आइडल ना चलने दें। डॉफ गिरने के बाद सिलाई लगा के जब कारीगर मशीन बराबर करता है, तो उस समय जो खराबियां बनती हैं मुख्य रूप से किर्ची, लपेटा और लंबी सिलाई। ये लंबी सिलाई जैसा कि आप देख रहे हो बोबिन के ऊपर, लंबी सिलाई का सबसे ज्यादा नुकसान यह होता है कि जब वाइंडिंग में यह बोबिन काफी स्पीड से वहां पे धागा अंडर वाइंडिंग होता है यानी धागा निकलता है, तो यह धागा बार बार नीचे लिपटे हुए धागे को ब्रेकेज करता है, जिससे कि हार्ड वेस्ट की मात्रा बढ़ती है। तो कारीगर ध्यान रखे, यदि कहीं पर किर्ची, लपेटा या लंबी सिलाई लग गई है, तो उस बोबिन को साफ करके ही दोबारा से वहां पर सिलाई लगाएं करता है, क्योंकि धागा बनने के बाद यदि वेस्ट बनता है तो वह सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो सिलाई लगाते समय कारीगर ज्यादा लंबी और ऊंची सिलाई ना लगे। सिलाई लगाने के बाद बोबिन को मशीन के किनारे पे इधर उधर ना रखें, जो कि नुकसानदायक है। जैसे कि आप देख रहे हो धागा स्पिंडल के ऊपर लिपट सकता है, बोबिन के ऊपर लिपट सकता है, तो इस बोबिन को निश्चित स्थान पे ही रखें। छल्ला मिक्सअप होना, अलग अलग काउंट के अनुसार अलग अलग वजन और नंबर का छल्ला इस्तेमाल किया जाता है, तो कारीगर ध्यान रखें
छल्ला कोई भी मिक्सअप ना चलाएं, काउंट के अनुसार ही छल्ले का इस्तेमाल करें। इसके बाद कारीगर यह ध्यान रखें कि बिना स्पेसर के कहीं पर भी धागा ना चल रहा हो, बिना स्पेसर या स्पेसर पिन अगर नहीं है तो उसे चेक करके ठीक करें। कारीगर इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं पर भी कोई बॉटम एप्रन कटा या डैमेज ना चल रहा हो। इसके अलावा एक टेप से हमेशा 4 स्पिंडल घूमते हैं, तो ध्यान रखें कहीं पर भी 3 स्पिंडल एक टेप से ना घूम रहे हों। इसके अलावा जमीन पर यदि कोई बॉबिन गिर जाए तो उसे उसके स्थान पर लगा दें। ब्रेक कोई ऊपर उठी ना हो, क्रॉस रोबिन ना चल रही हो। इसके अलावा सिंप्लेक्स जो माल आता है स्पीड फ्रेम बॉबिन पे, कोई भी फ्लाई फ्लब या सलब वाली बॉबिन ना हो, जिससे कि धागे की क्वालिटी खराब होती है। सलब वाली बॉबिन को उस स्थान से रोबिन साफ करके ही चलाएं। क्या खराबियां जो कि रिंग फ्रेम के कारीगर को ध्यान रखनी होती हैं, सिक बॉबिन जहां पर कि स्पेंडल में बार बार धागा टूटता है, ब्रेकेज होता है, तो उसके बारे में आप तुरंत अधिकारी को सूचित करें। बॉटम स्पॉइल्ड, यह वह बॉबिन होती है जिसके नीचे से धागा निकल जाता है। ज्यादातर इसका कारण यह होता है कि डोपिंग के समय बॉबिन स्पिंडल पर पूरी फिट नहीं बैठती है। ओवरफिल्ड बॉबिन, यह बॉबिन जिसके की ऊपर से धागा निकल जाता है। तो यह थी रिंग फ्रेम में बनने वाली कुछ मुख्य खराबियां जिनका की संबंध सीधा कारीगर के साथ है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।